कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर है, जहां वे अलग अलग कार्यक्रमों में जाकर बीजेपी नेतृत्व वाली मोदी सरकार पर जमकर हमलावर है। इस बीच शुक्रवार को जगदलपुर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बीजेपी खुद ही मानती है कि राहुल गांधी सबसे बड़े नेता है। मोहन भागवत कहते हैं कि विदेश में जाकर जो देश का अपमान करते हैं वे देश विरोधी है। जब पीएम विदेश में जाकर कहते हैं कि भारत में पैदा होना दुर्भाग्य की बात है, तब क्या मोहन भागवत कुंभकर्णी नींद में सोए थे? ये अजीब सी बात है, जिन्ना की मुस्लिम लीग अलग है और यहाँ केरल में मुस्लिम लीग है वो अलग है, और वो यदि वहाँ की मुस्लिम लीग है पाकिस्तान वाले, तो आज तक के तो उसके रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाता, लेकिन दिग्भ्रमित करने के लिए लगातार इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। देखिए एक चीज है, पहले जब राहुल गांधी जी जब अध्यक्ष थे तब कहते परिवारवाद चला रहे हैं, उन्होंने अध्यक्ष पद त्याग दिया, उसके बाद भी राहुल गांधी की लोकप्रियता में कमी नहीं आई और भारत जोड़ो यात्रा में निकले तो उन्होंने उसकी सदस्यता ले ली। मतलब अभी तक के हिंदुस्तान में डिफेमेशन केस में इतनी बड़ी सजा किसी को नहीं मिली है जितना राहुल गांधी जी को दिया गया। आज तो एक सामान्य नागरिक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी की इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मतलब खुद ही मानते हैं कि राहुल गांधी जी ही देश के सबसे बड़े नेता हैं, और इस कारण से पूरे केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अब तो मोहन भागवत जी भी कूद पड़े हैं। तो मोहन भागवत जी कहते हैं कि विदेश में जाकर जो देश के क्या शब्द प्रयोग किया, देश के अपमान करते हैं तो वो देश विरोधी हैं। तो सबसे पहले मोहन भागवत जी जब प्रधानमंत्री जी विदेश में जाकर ये कहते हैं कि भारत में पैदा होना दुर्भाग्य की बात है, ये उन्होंने कहा था, रिकॉर्ड कहा था, विदेश में जाकर कहा था, तब मोहन भागवत जी क्या कुंभकर्णी नींद में सोए हुए थे? तब उनको नहीं बताना था कि ये भारत का अपमान है, देश का अपमान है? और उस समय यदि बोले होते तब बात समझ आती। मोहन भागवत जी आप सांस्कृतिक संगठन के अध्यक्ष हैं, आपसे उम्मीद की जाती है आप निष्पक्ष रहे, आप निष्पक्ष दिखने के भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। ये कहा एक सांस्कृतिक संगठन, ठीक है, पूरे देश उन पहलवान बेटियों के साथ खड़ी है और जो न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश होने के बावजूद दिल्ली पुलिस जो केंद्र सरकार के अधीन है उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो जो पहलवान संघ के अध्यक्ष हैं ब्रिजभूषण, उसको आखिर केंद्र सरकार बचा क्यों रही है?